सुजानगढ़ की शास्त्री प्याव के पास विनायक सिटी सेंटर स्थित नवाब साहब नमक फर्म का उद्घाटन फीता काट कर सभापति नीलोफर गोरी, हाजन हाजरा बानो, पूर्व सभापति सिकंदर खिलजी, उप सभापति अमित मारोठिया ने किया है। इस अवसर पर सभी लोगों ने फर्म प्रोपराइटर मोहम्मद हुसैन को बधाइयां दी। कार्यक्रम में आबिद अली ने बताया कि सुजानगढ़ व आसपास के अंचल के लोगों से एक बार सेवा का मौका देने का निवेदन है। प्रोपराइटर मोहम्मद हुसैन ने बताया कि यहां पर ग्राहकों को काफ़ी वैरायटी मिलने वाली है। दूसरी ओर कार्यक्रम में हाफिज अब्दुल सलाम किची, पार्षद इकबाल खान, एडवोकेट सलीम खान गाजी, पार्षद आसिफ अली चौहान, पार्षद आसिफ खान असवान, पार्षद जाकिर क्याल, मुस्लिम महासभा के जिलाध्यक्ष रोशन खान, मुमताज अली, मोहम्मद अमीन, शहाबुद्दीन, मोहम्मद साबिर, सराजुद्दीन, मोहम्मद जब्बार, नेक मोहम्मद सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो ये फर्म का हुआ है, जैसे अपनी फर्म है, मेन फर्म है अनस डिजाइनिंग वेयर वाई वाई कॉम्प्लेक्स में, उसकी ये फ्रेंचाइजी है नवाब साहब नाम से। तो यहाँ पे विनायक सिटी सेंटर है स्टेशन रोड पे, इस पे यहाँ पे उद्घाटन हुआ और इस मौके पे सभापति, उपसभापति और माननीय हमारे पूर्व उपसभापति सिकंदर जी खिची सारे आए हैं यहाँ पे। और हमारे पास वैरायटी के बोल के हिसाब से यहाँ पे शेरवानी, इंडो वेस्टर्न और सूट का कपड़ा, शेरवानी का कपड़ा, जैकेट का कपड़ा और साथ में सिलाई भी की जाती है और पैंट शर्ट का कपड़ा भी है और भी कई प्रकार के डिज़ाइन है जो हम यहाँ करते हैं। और इस मौके पे हम अपील करना चाहेंगे और जितने भी सुजानगढ़ तहसील के जो भी गांव है, जो ढाणियाँ है, सबसे संपर्क करना चाहते हैं कि सब यहाँ आए और यहाँ आके एक बार सेवा का मौका हमें दें। सुजानगढ़ की राजकीय पीसीबी उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वर्गीय महावीर प्रसाद तोदी की स्मृति में कौशल प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीवीईओ कुलदीप व्यास की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में एडीएम भागीरथ साख, उपखंड अधिकारी मूलचंद लुणिया ने भी शिरकत की। इस अवसर पर 12वीं विज्ञान वर्ग की छात्रा गजल द्वारा घराओ परदेशिया पर शानदार नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जबकि नन्ही बालिकाओं ने इतनी सी हंसी पर शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भामाशाह अजय तोदी ने कविता के माध्यम से अपने पिता की मातृभूमि के प्रति भाव व्यक्त किए। तोदी ने कहा कि मेरे पिताजी ने राज्य के पीसीबी स्कूल में अध्ययन किया, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी यहाँ से प्रेरणा लेकर पूरी दुनिया में सुजानगढ़ का नाम रोशन करें। तोदी ने कहा कि यहाँ के होनहार जब बाहर जाकर अध्ययन करेंगे तो उनके लिए वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। इसी प्रकार कोरिया की सियोल की एक कंपनी के साथ टाई अप करके अत्यधिक आधुनिक तकनीक से पीसीबी स्कूल के बच्चों को शिक्षित करने की योजना भी बनाई जा रही है। कार्यक्रम में देवकीनंदन तोदी, भाजपा के मंडल अध्यक्ष पवन कुमार चितलांगिया, भामाशाह पवन कुमार तोदी, प्रिंसिपल धनाराम प्रजापत, जगदीश चालान, कैलाश सराफ, मानस सराफ सहित अनेक लोग मंचस्थ रहे। संचालन रामेश्वर लाल खिचड़ी ने किया। कार्यक्रम में होनहार प्रतिमाओं को प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गगन महेश्वरी, अनुराधा महेश्वरी, पार्षद पंकज घासोलिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। पिताजी माही प्रसाद जी तोदी पीसीबी स्कूल के छात्र थे और उन्होंने यहाँ से मैट्रिकुलेशन किया था और उसके बाद में वो कलकत्ता चले गए पढ़ने के लिए। तो उनकी स्मृति में और बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए और आगे से जो पीढ़ी आए उसको मेरे पिताजी की स्मृति से उनको प्रोत्साहन मिले और आगे से आगे हम लोग बच्चों को स्वावलंबी बना सकें, उसके लिए स्कीम बनाई गई कि बच्चे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास उनको भेज सकें हम लोग। उसमें जो बच्चे वहाँ एडमिशन लेंगे उनके लिए पार्ट टाइम वहाँ पर काम करने की व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही साथ एक कोरियन कंपनी के साथ में हमने बात की है जो यहाँ पर आके और उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक मैकेनिज्म बनाया है जिसमें कि और टीचर्स को और बच्चों को दोनों को उसमें पढ़ने में और पढ़ाने में सहायता मिलती है। उनका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक क्लिकर है जो दुनिया में अपने आप में एक अनूठा एक इक्विपमेंट है जो वो लोग यहाँ पे व्यवस्था करेंगे। उनके लोग वहाँ कोरिया से भी आएंगे और उनकी इंडिया की टीम भी आएगी और यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। ये दो कार्यक्रम हम लोगों ने और ऐड किए हैं इस बार और आगे से आगे हमारा चेष्टा ये रहेगा कि कार्यक्रम हर साल हो और बच्चे हमारे आगे से आगे बढ़े। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में सैकड़ों विद्यार्थियों व लोगों को निष्पक्ष मतदान
व मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की शपथ एडीएम भागीरथ साख ने दिलवाई। राजकीय पीसीबी स्कूल में आयोजित हुए कार्यक्रम में एडीएम भागीरथ साख ने कहा कि पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में आवश्यक रूप से नाम जुड़वाए। मतदाता पहचान पत्र पहचान का काफी आवश्यक दस्तावेज है। उपकरण अधिकारी मूलचंद लुनिया ने कहा कि 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, इसी दिन मतदाता दिवस मनाया जाता है। लुनिया ने कहा कि भारत में सरकार की बागडोर जनता के हाथों में लोकतंत्र के माध्यम से संविधान द्वारा दी गई है, इसलिए हमें लोकतंत्र में भागीदारी निभाने के लिए आवश्यक रूप से मतदान करना चाहिए। कार्यक्रम में सीबीईओ कुलदीप व्यास, प्रिंसिपल धनाराम प्रजापत, भामाशाह अजय तोदी, देवकी नंदन तोदी, भामाशाह पवन कुमार तोदी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पीसीबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आदरणीय जिला अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय बागेजी साहब उपस्थित थे। यहाँ पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ साहिबान और सुपरवाइजर साहिबान, मास्टर ट्रेनर्स, उनको सम्मानित किया गया अच्छे कार्य करने के लिए। इसके अलावा मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए गए, उनको समझाइश की गई और 18+ वाले जो मतदाता उनसे भी रूबरू होकर के बातचीत की गई। सुजानगढ़िया सुजला क्षेत्र को जिला बनाने के लिए लोग सभी प्रकार के जतन करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में गांधी आश्रम में हवन का आयोजन रविंद्र आर्य के सानिध्य में किया गया। हवन में गांधी आश्रम के अध्यक्ष सुभाष बेदी, भाजपा नेता बुद्धि प्रकाश सोनी, आदर्श जाट महासभा के सूर्य जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र केलका, श्रवण सरोलिया, हीरामणि सोनी, सुनीता बेदी, देवराज सिंह यादव, कविता सैनी, प्रिया जांगिड़ सहित अनेक विद्यार्थियों ने भी हवन में आहुतियां दी। रविंद्र आर्य ने हवन संपन्न करवाया। इसके बाद सभी ने जिला बनाए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। गांधी आश्रम के अध्यक्ष सुभाष रेड्डी ने कहा कि सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया गया है और राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि 40 सालों से चल रहे संघर्ष को विराम देते हुए इसी बजट सत्र में सुजानगढ़ को जिला घोषित किया जावे। सद्बुद्धि यज्ञ का कार्यक्रम गांधी आश्रम सुजानगढ़ में हुआ और ये सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए हुआ है कि सरकार को प्रभु सद्बुद्धि दे और सुजानगढ़ जिला बने। ये मुहिम करीब 40 वर्षों से चल रही है और 40 वर्षों से सभी लोग बाग इस मुहिम में लगे हुए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे हमारे 70-80 साल के योद्धा इस मुहिम के कई मुख्य जैसे ईशराम जी चौधरी, सनोबेन जी, लाडनू के सेठी जी, हरजी राम जी मंत्री भूलने, भंवरलाल जी भूतपूर्व मंत्री, और कई मंत्री जो अभी भी लगे हुए हैं जैसे खेमाराम जी, और कई टीमें लगी हुई है। आज मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज ये दूसरी पीढ़ी आपके सामने खड़ी है, तीसरी पीढ़ी आपके सामने खड़ी है और मेरे पीछे चौथी पीढ़ी खड़ी है जो जिले की मांग कर रही है। ये 40 वर्षों से हम इसको लेके चल रहे हैं और सबसे पहले सुजला जिला बनाओ संघर्ष समिति का गठन हुआ, मैं भी उसका संस्थापक हूँ और उसके साक्षी हमारे बुद्धि प्रकाश जी भी हैं जो अभी बीजेपी के नेता हैं। आज यहाँ पर गांधी आश्रम में सुभाष जी बेदी के संयोजन में ये सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। हमारे यहाँ पर चूरू जिले सुजानगढ़ जिला बने, चूरू जिले से हमारा ये क्षेत्र है वो 100 किलोमीटर दूर है और अगर हम लालगढ़ की तरफ जाएं तो 170 किलोमीटर का ये दूरी पड़ जाती है। लालगढ़ से चलकर कोई आदमी सुबह जाकर शाम को वहाँ यहाँ वापस आ नहीं सकता। रियासत काल से चूरू ये सुजानगढ़ जिला रहा है, हम हक मांग रहे हैं। आज इस कोचिंग सेंटर के बच्चे भी हमारे साथ इस यज्ञ में शामिल हुए हैं और सभी की मांग ये है कि ये जिला बनना चाहिए। ईश्वर हमारे मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे कि हमारा सुजानगढ़ जिला बने।